हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसजीओ एपटेक चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके कंप्यूटर में जो विंडोज है वो आप कैसे चेक कर सकते हो, वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। आप जानते ही होंगे दोस्तों कि विंडोज 10 का ओरिजिनल वर्जन का जो प्राइस है वो है $110। विंडोज 10 होम का ये प्राइस है $110, जो कि इंडियन रुपए में करीब करीब 8 से 9 हज़ार या फिर 10 हज़ार भी हो सकता है। तो दोस्तों, अभी जो मार्केट प्राइस जा रहा है वहाँ पर विंडोज 10 प्रो का प्राइस है 15,000। तो दोस्तों, आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका आप जो नया लैपटॉप जो परचेस किया है इसी महीने पे या फिर 2 या 3 महीने पहले, और जो नया डेस्कटॉप परचेस किया है वहाँ पर आपका जो विंडोज 10 जो इनबिल्ट दिया हुआ है वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। दोस्तों, आज मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा आप कैसे ये विंडोज 10 का और कोई भी विंडोज का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का आप ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हो। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि विंडोज 10 को एक्टिवेट देख लेते हैं, जस्ट वो ओरिजिनल है कि नहीं वो हम चेक नहीं करता। हम आपको दिखाते हैं, हम यूजली करते हैं, हम दिस पीसी में जाते हैं और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर विंडोज इस एक्टिवेटेड लिखा होने से ही कुछ नहीं होता, आपका विंडोज ओरिजिनल या फेक है यहाँ से पता नहीं चलेगा। हम आपको इस वीडियो में 2 स्टेप सिखाएंगे जिसमें आप पता कर पाओगे कि ये विंडोज जो है ये पायरेटेड है या ओरिजिनल है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टार्ट में जाना होगा और यहाँ पर रन में सर्च करना होगा और यहाँ पर रन पे जाना है और यहाँ पर आपको CMD टाइप करना है और आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है SLMGR /XPR और एंटर मारना है। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉपअप खुल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा विंडोज जो है ये परमानेंटली एक्टिवेटेड है। अगर आपका विंडोज पे ये लिखा होता है कि दिस मशीन इज परमानेंटली एक्टिवेटेड तो आपका विंडोज जेन्युइन या ओरिजिनल है। लेकिन दोस्तों, आपको अगर ये लिखा आता है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विंडोज वॉल्यूम एक्टिवेशन विल एक्सपायर ऑन 6/21/2020, तो यहाँ पर आपका विंडोज ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल विंडोज में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा द मशीन इज परमानेंटली एक्टिवेटेड। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टेप की तरफ। आप दूसरी स्टेप जो है आपको फिर से रन में जाना है और CMD टाइप करना है और ओके करना है। फिर आपको टाइप करना है SLMGR.VBS/DLI। चिंता करने की बात नहीं है दोस्त, ये जो कमेंट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप से आप इसको कॉपी कर लेना। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर बोलता हूँ, आपको कमेंट रूम पर जाकर लिखना पड़ेगा SLMGR.VBS/DLI। यहाँ पर SLMGR जो है SLMGR स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर लाइसेंस मैनेजर, VBS जो है VBS स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। तो आपको ये कोड कमेंट लिखकर आपको एंटर मारना है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर दिखा रहा है लाइसेंस स्टेटस वो है लाइसेंस्ड, यानी कि मेरा जो विंडोज है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पर मुझे कोई भी टाइम एक्सपायरिंग टाइम मुझे नहीं दिखा रहा है। अब अगर आपके पीसी में, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके पीसी में इस बार भी आपको ऐसा दिखा रहा है कि वॉल्यूम एक्टिवेशन विल एक्सपायर ऑन 6/21/2020, तो आप समझ लेना कि आपका पीसी जो है, आपका विंडोज जो है वो डुप्लीकेट है या फिर पायरेटेड है। क्योंकि दोस्तों, ओरिजिनल विंडोज और जेन्युइन विंडोज जो है वो कभी स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं होता, वो लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेटेड होता है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर दिखाता हूँ, अगर मैंने जो 2 स्टेप दिखाई उन 2 स्टेप में भी आपको एक ही चीज दिखा रहा है कि वॉल्यूम एक्टिवेशन विल एक्सपायर ऑन ए स्पेसिफिक टाइम, तो आप समझ लेना आपका विंडोज जो है वो एक्टिवेटेड तो है लेकिन वो आपका जेन्युइन विंडोज नहीं है, बल्कि वो आपका डुप्लीकेट और पायरेटेड विंडो है। वो आपका उस विंडो का आपका लाइसेंस नहीं है दोस्तों, वो अनलाइसेंस्ड है। लेकिन आप देख सकते हो मेरा जो विंडोज है वो एकदम जेन्युइन है, पर क्योंकि यहाँ पर
कोई टाइम नहीं दिखा रहा है, यानी कि ये लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस्ड है। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि आप कैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ओरिजिनलिटी टेक चेक करें। तो कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर में से भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पायरेटेड विंडो डालकर आपको बोला जाता है कि ये जो विंडोज है वो ओरिजिनल विंडोज है और आपसे ओरिजिनल विंडोज के ही पैसे लिए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह की फ्रॉड से, इस तरह की चीटिंग से आप बच सकते हो अगर ये दो ट्रिक आपको आता है। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो का जो दो ट्रिक है और जो दो कमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको फॉलो कीजिएगा तो आप तो भविष्य में भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये विंडोज 10, विंडोज 8 और विंडोज 7 के लिए ये प्रोसीड्योर सेम है। आप तीनों विंडो में ही या फिर विंडोज एक्सपी में भी आप चेक कर सकते हो कि ये विंडोज जो है ओरिजिनल है या फिर पायरेटेड है। ये दो स्टेप जो है ये आपको याद रखना है, और ये जो दो कमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्स है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बटन को ऑल कर देना, ताकि ये सब टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सब प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।